रामनगर रानीखेत रोड पर स्थित श्याम टेंट हाउस में मजदूरी का काम करने वाले एक युवक की दूसरे युवक से आपसी कहासुनी के चलते विवाद हो गया, जिसमें युवक बालम सिंह उर्फ बोबी ने दूसरे युवक मुकेश कश्यप पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। चाकू का वार गले पर होने से मुकेश बुरी तरह से घायल हो गया, जबकि बालम सिंह हमला करने के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घायल अवस्था में स्थानीय लोगों द्वारा मुकेश को जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर मुकेश की हालत नाजुक देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया है। उधर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आरोपी युवक बालम सिंह की तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि घायल मुकेश टेंट हाउस में लाइटिंग का काम करता है, जबकि आरोपी महिपाल कुछ दिन पहले ही श्याम टेंट हाउस में सामान वाहन ले जाने वाले काम कर रहा है। ये दो लड़के हैं मुकेश कश्यप और बालम सिंह, दोनों पहले साथ ही काम करते थे, वर्तमान में दोनों अलग अलग टेंट हाउस में काम कर रहे थे। आज बालम सिंह मुकेश के पास आया और मुकेश पे उसने धारदार हथियार से उसके गर्दन पे वार किया। मुकेश घायल हुआ है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया है। आरोपी फरार, पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। लाइव उत्तराखंड के लिए रामनगर से चंद्रसेन कश्यप की रिपोर्ट।